एक ऐसी जानकारी जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज करने वाली है और कैसे करने वाली है। आज के जनरेशन में जाहिर सी बात है, किसी पास पैसा हो जाता है उसको शौक होता है कि गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सबका शौक होता है। गाड़ी हो गया तो मेरे पास अच्छा सा घर हो, अच्छा सा घर है तो बहुत सारे पैसे हो जाए, मैं देश विदेश की यात्रा कर लूं। ये सब हो जाता है तो इंसान के पास समय नहीं रहता। पैसा, गाड़ी, बंगला सब तो हो ही जाता है पर समय नहीं रहता। इंसान कहता है कि मेरे पास खास समय होता, पैसा है तो मैं घूम लेता। हर चीज इंसान का सपना होता है, शौक होता है, पर आज के डेट में ये सब सपने, ये सब शौक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और कैसे नहीं हो पा रहे हैं और कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम जान लेते हैं, क्या है, कैसा है। कंपनी का नाम है सेफ शॉप डायरेक्ट, दिल से शॉर्टकट में सेफ शॉप बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, जिसका सिर्फ एक ही हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली जनकपुरी में, और कहीं भी इसका गोदाम या दुकान नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू काम करती है और एक ही जगह हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली जनकपुरी में। और यहाँ हम जा सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, बकायदा बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी थी, बात नहीं कर सकती। जो भी पूछना है आप ये सीनियर को छोड़ के सीधा कंपनी में डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, डायरेक्टर से बात कर सकते हो, हर एक सुविधा यहाँ पे है। अपना एक वेबसाइट भी है www.safeshopindia.com। और कोई अदर जानकारी लेना है, जैसे कि किसी पर भरोसा नहीं होता तो सीधा अपना वेबसाइट में जाते हैं, कंपनी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके जो भी इंफॉर्मेशन अपन को लेना है ले सकते हैं। ISO द्वारा सर्टिफिकेट भी है प्रमाणित हमारे पास, जिसके माध्यम से सरकार कंपनी को चलाने का अनुमति देती है। तो ऐसा बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो कि हमारी सेफ शॉप इंडस्ट्री हर साल सरकार को सबमिट करती रहती है। राजस्व प्रमाण पत्र है, ये ग्रासिम है, एक कंपनी है बहुत बड़ी जो हमारे साथ टाई अप मतलब मिल के काम कर रही है, और सेफ शॉप और ग्रासिम जो मिल के काम कर रही है उसके बीच का भी एक प्रमाण पत्र है, वो है ग्रासिम का। दोनों के बीच का जो लेन देन होता है उसके लिए भी एक प्रमाण पत्र बना हुआ है, और राजस्व विभाग द्वारा हमारे पास प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, हर चीज है यहाँ पे। जो चीज मतलब होना चाहिए एक लीगल तरीका से कोई भी कंपनी को चलाने के लिए, वो हर एक चीज हमारी सेफ शॉप इंडस्ट्री सरकार को सबमिट करती है। और इतना जबरदस्त शानदार है कि जो भी टैक्स होता है अगर कंपनी नहीं देती, कंपनी देती तो भग जाएगी, नहीं पटाएगी तो सरकार बंद कर देगी, ऐसा डर रहता है। क्या चीज, टैक्स को अगर कंपनी नहीं देगी टैक्स सरकार तो बंद ही करा देगी, जाहिर सी बात है। पर ऐसा डर यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि कंपनी टैक्स नहीं देती, हम लोग अपने इनकम से टैक्स देके वो इनकम हमारे तक आता है। तो हम हर बार जितने इनकम आ रहे हैं उनमें से कुछ रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देते जा रहे हैं। इस तरह से हमारी कंपनी एकदम शानदार, हम खुद अपना टैक्स देते हैं। और हमारी कंपनी की स्थापना 14 दिसंबर 2000 से हुई है और कंप्लीट 18 साल हो चुकी है, 19वें साल के पायदान पे चल रही है। लगभग चलते चलते 18 साल 19वें साल चल रही है, कंटिन्यू चलते जा रही है, कोई भी फाट कोई भी व्यक्त नहीं हमारी कंपनी में। और ना और कहती है कि 100% बेरोजगारी दूर करने वाली है, कैसे करेगी आइए देखते हैं। आज के डेट में क्या होता है, 100% लोग अच्छे फैशन के कपड़ा पहनना चाहते हैं, 100% लोग अच्छी सेहत बनाए रखना चाहते हैं, और 100% लोग अच्छी शिक्षा चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा पढ़ूं और अच्छा स्वस्थ रहूं, पर ये सब नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। ई मतलब इंटरनेट होता है, कॉमर्स मतलब व्यवसाय होता है, इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करना। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय कैसे होता है, पहले क्या होता था, कोई भी हमारे घर में छठी शादी कुछ भी होता था, निमंत्रण देने के लिए अगर दूर में है अपने रिश्तेदार तो जाते दो दिन एक दिन जैसे भी पहुंचते, नहीं तो फिर डाकघर था, पोस्ट मास्टर के माध्यम से, मैं तो नहीं करी, मेरे सब मेरे पुत्र नहीं पता, तो वही सब पोस्ट माध्यम के पोस्ट क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमैन के माध्यम से पहुंचाते थे खबर। पर क्या आज के डेट में कोई चिट्ठी लिखता है, कोई लिखना पसंद नहीं करता, डायरेक्ट फोन उठाए हम लोग यहाँ आए भी तो आपको कॉल करके आए, चिट्ठी नहीं भेजे, क्योंकि वो बहुत टाइम भी लगता है, पैसे भी ज्यादा लगता है। आजकल कुछ रुपए और कुछ पैसे भी मैसेज चला जाता है, मैसेज भेज देते हैं, फोन कर लेते हैं, इतनी सुविधा हो गई। कौन दिया ये सब सुविधा अपन को, इंटरनेट, और उसी इंटरनेट के माध्यम से अपन को व्यवसाय करना है। 30% यहाँ पे एक सर्च करके देखा गया कि इंटरनेट के माध्यम को कितने लोग भारत में जाने हैं, कितने लोग नहीं जाने, तो अपन को पता चला कि 90% इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करने की संभावना हमारी इंडिया में है अभी, क्योंकि सिर्फ 10% लोग ही इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय को समझ चुके हैं, समझ रहे हैं। पहले बुजुर्ग लोग फोन को गलत चीज समझते थे, नहीं फोन नहीं रखते, ऐसा होता है वैसा होता है, पर आज के डेट में बुजुर्ग लोग ही बच्चों से ज्यादा फोन रखने के लिए शुरू कर दिए हैं। तो वही हुआ ना, इंटरनेट को समझने लगे हैं धीरे धीरे लोग। आप भी पहले नहीं रखती होंगी पर अब सब लोग रखते हैं इंटरनेट को, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप हम समझते जा रहे हैं। अब हमारे साथ 30 से 38 बड़ी एकदम ब्रांडेड जानी मानी कंपनियां जो टाई अप होके मतलब मिल के काम कर रही है। हमारी सेफ शॉप इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती, यही जो 30 से 38 कंपनियां हैं उन्हीं में के कोई भी प्रोडक्ट या सामान को
डायरेक्ट लेके वहाँ अपना लेवल लगाती है, सील लगाती है सेफ शॉप की और सेलिंग कराती है। और कौन कौन सी कंपनी है आए देखते हैं, हामा है, मिया कास है, ब्रॉन्सिक है, किंग क्लूदर है, रिलायंस है, ग्रासिम है, बारगोनिक है, बहुत सारी ऐसी 30 से 38 बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। और जिसका तो शायद मैं कहूँ तो कमरधा में इसका तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये नामी गिनामी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन्हीं की कोई भी प्रोडक्ट को लाइफ में वन टाइम परचेसिंग करके इस बिजनेस में आ सकते हैं और शानदार लाखों करोड़ों कमाने के मौके में आ सकते हैं। जैसे कि ग्रासिम का सूट लेंथ था जिसमें अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं प्रचार करते हैं, इसमें से कोई भी एक सूट लेंथ लेके आप हमारे बिजनेस में आ सकते हैं और लाखों कमाने के मौके में आ सकते हैं। ये पैकिंग पैक जो कि खिलौने के जैसा दिखता है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, खिलौने के जैसा दिखता है, बच्चे लोग इसको खेलेंगे ही खेलेंगे, खेलने के साथ साथ अपन इससे जबरदस्त एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। कैसे, इसके साथ 14 बुक्स होती है, 4 इमेजिक कार्ड्स भी होते हैं, 14 बुक्स होती है। इनमें से कोई भी एक बुक को निकालिए और उनके ऊपर इसको एक बार टच कर दीजिए, एक बार टच करेंगे तो ये पढ़ के सुनाएगा, दूसरे बार में उसका अर्थ मतलब उसके फायदे बताएंगे। जैसे आज के इस व्यस्तता की दुनिया में कोई भी अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, घर में टीचर होते हैं भी तो टीचर लोग अपने बच्चों को घर में ट्यूशन नहीं दे पाते, ट्यूशन के लिए कहीं बाहर भेजते हैं। तो क्या बाहर के बच्चे लोग अच्छे से ट्यूशन कर पाते हैं? करते तो हैं, पर क्या चीज अच्छे से, कुछ चीज जो सीखना चाहिए वो चीज सीख पाते हैं? नहीं। हम लोग को भी बहुत चीज ऐसा है कि जो कि इंग्लिश में नहीं आता, कई चीज का तो हम लोग मतलब ही नहीं जानते। पैकिंग के माध्यम से बच्चे लोग खेलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इसको खेलते खेलते बच्चे तो सीखेंगे, साथ साथ हम लोग भी इसको सीख सकते हैं। कहते हैं नहीं कि पढ़ने से ज्यादा याद नहीं होता, बल्कि एक बार सुनोगे तो वो चीज पक्का याद होगा। जैसे कि कविता कहानी है, कोई आदमी बताता है पक्का कुछ ना कुछ कम से कम 100% 50% तो याद ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोले रहते हैं तो कान में हम लोग सुने रहते हैं, सुना हुआ चीज बहुत जल्दी याद होता है। कहते हैं तो टेक्निक के माध्यम से बच्चे को तो एजुकेशन मिलेगा ही, साथ साथ हम लोग भी जो अपने बचपन में नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए, उसको बच्चों के साथ साथ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसको भी लेके आप बिजनेस में आ सकते हैं और लाखों कमाने के मौके पा सकते हैं। जैसे एक टू पॉट है, ये ट्रिपल लेस का होता है और शुद्ध स्टील का होता है, इससे खाना भी शुद्ध मिलता है, एल्यूमिनियम होता नहीं है, इस कारण से हमारे खाना भी एकदम मस्त शुद्ध होता है और इसका कुकर फटने का कोई डर ही नहीं रहता, क्योंकि ये ट्रिपल लेस का बना हुआ होता है, शुद्ध स्टील होता है। इसको भी लेके आप हमारे बिजनेस में आ सकते हैं। और मियां कास का डिनर सेट है, इसमें 43 पीस का डिनर सेट होता है और एक साड़ी और एक सूट लेन होता है, ये होमो पैकेज है, पति पत्नी और परिवार सबके लिए कहा जाए तो। और डबल सेल में होता है, 83 पीस का बर्तन आता है, एक साड़ी जो लारण्य लावण्य की साड़ी होती है और मियां कास का बर्तन होता है और बारगोनी या ब्रोजरी का एक सूट लेन होता है, जो कि इतना जबरदस्त है। ये कपड़ा ऐसे कपड़ा होता है जो कि गर्मी में अपन को ठंडक महसूस कराती है और ठंडी में गर्मी महसूस कराती है, जिसको हीरो हीरोइन ज्यादातर ये सब चीज यूज करते हैं, इंटरनेशनल लोग। ये होमो पैकेज है, इसको भी आप बिजनेस में आने के बाद यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और ये शानदार पैकेज मोरिंगा का, एक मोरिंगा चॉकलेट खाने से दिन भर में जितने खाने से क्या कहते हैं ऊर्जा मिलती है, उतनी एक चॉकलेट को खाने से मिलती है। इतना जबरदस्त और शुद्ध मुनगे से बना हुआ है, इतना फायदा है और हमारे शरीर से 30 से 32 प्रकार की 300 से ज्यादा बीमारी को क्या करती है, ये दूर करती है। मुनगा शुद्ध मुनगा बने हुए जबरदस्त, मैं तो खैर नहीं खरीदा पर सरवन खरीद चुके हैं, सरवन ज्यादा पता है, एकदम जबरदस्त रहते हैं। हाँ, बहुत सारा आया, इतना जबरदस्त है हम कहा कि ना बलराम सर जाता था, मोर रिलेटिव है, रिलेशन के एकदम ज्यादा घनिष्ठ रिलेशन है, मन खुद खरीद के खाया, इतना जबरदस्त बताती है, करेंगी भी बहुत ज्यादा। हाँ, होमो पैकेज भी आइए देखते हैं, उपभोक्ता की खरीदने की आदत क्या, टीवी विज्ञापन के माध्यम से या टीवी को देख के प्रचार को देख के क्या हम लोग सामान खरीदते हैं, पर सिर्फ 20% सामान ही टीवी विज्ञापन के माध्यम से दिखता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई भी सामान जैसे कि दिखाया जा रहा है टीवी में विज्ञापन, तो वो अच्छा लगा आपको, आप खरीद लिए, मैं भी पहले से खरीदी हूँ या आप ही पहले से खरीदी हो, फिर मैं बोलूंगी हाँ मैडम ये अच्छा लग रहा है सामान, मैं खरीदना चाहूंगी, आप बताओगे मेरे को ये सामान अच्छा नहीं है, मत खरीदो, मैं खरीद के देख चुकी हूँ, तो मैं आपकी सुनूंगी कि टीवी की सुनूंगी, आप ही का सुनूंगी ना, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ या अमिताभ बच्चन को मैं जानती हूँ, फिर भी नहीं जानती, फिर भी वो लोग झूठ बोलते हैं और लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो हम लोग यही मौखिक प्रचार प्रसार करके यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं और पैसे कमाते हैं। ये देखिए क्या होती है, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को सिर्फ 30 रुपए में बना के निकाल के फेंक देती है और वही प्रोडक्ट हमारे पास आते आते 100% की हो जाती है। कैसे होती है, तो ये बीच का 70% जाता कहाँ है, डीलर, सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होटल, रिटेलर, बड़े बड़े गोदाम वाले, डायरेक्टर, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो सीधा कंपनी से नहीं खरीदते, दुकान में जाते हैं, दुकान वाले कहीं ना कहीं और दुकान से लाते होंगे, और दुकान वाले और दुकान से, ऐसे करते करते कोई जाके सीधा फैक्ट्री से लाता होगा। तो ऐसे करते करते हम लोगों के पास आते आते कोई भी 30% का सामान 100% अपन को MRP में मिलता है।
तो हमारी सिर्फ सब इंडस्ट्री क्या कराती है, इतना जबरदस्त काम कराती है, अपन को बेनिफिट कराती है, वो ये कराती है, 30% का सामान कंपनी में बन के फेंका गया। तो क्या करती है, बड़ी बड़ी जो 30 से 38 कंपनी हमारे साथ टाई अप है, उन लोग जो सामान को बना के निकाल देते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, 30% बना के निकाल के 30% में रख तो लेता है, पर अपन को देता 100% में ही, 30 रुपए का सामान को 100 रुपए में देता है। बट कराता क्या है, जो ये 70% बीच के लोग डीलर, सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हॉटर, रिटेलर ले जाते थे, उनके जगह में आपको और हमको, जो हम एक बार शॉपिंग करके यहाँ जुड़ते हैं, उन लोगों को यहाँ पे खड़ी कर देती है, और 10% अपन खुद रखती है, और 60% हम लोग को इनकम के रूप में देती है। कई लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, सिर्फ आप इतना पैसा देते कहाँ से, कहाँ से देते हैं, यही से देते हैं भैया, 70% जो बड़े बड़े विज्ञापन वाले लोग, क्या अमिताभ बच्चन जी विज्ञापन करते हैं फ्री में करते होंगे? नहीं, पैसा लेते हैं। हम लोग भी तो दिन भर विज्ञापन करते रहते हैं, ये साड़ी अच्छा है जी, वो साड़ी अच्छा है, वो कपड़ा अच्छा है, ये चूड़ी कंगन अच्छा है, तो हम लोग को विज्ञापन के बदले में कुछ नहीं मिलता। पर ये सिर्फ शॉप में आने के बाद सिर्फ मौखिक प्रचार प्रसार करके अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, और अपने छोटे से बड़े हर सपने पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, 70% 10% कंपनी अपने पास रखती है, और 60% हम लोग को इनकम के रूप में दे देती है। और क्या करती है, जैसे हम पैसे देते हैं, सामान तो दे दिए कंपनी, सामान के साथ में निःशुल्क फ्री में एक पोर्टल आईडी देती है, जिसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय को घर बैठे बैठे मेंटेन करते हैं। कम पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, और कैसे चलाना है अपने व्यवसाय को ईमानदारी के साथ, ये इसके लिए एक पोर्टल आईडी देती है। जैसे कि आप यहाँ पे आ गए, कुछ भी चीजें प्रोडक्ट में जो बताई हूँ, इनमें से झोला लेके बेचना है, सिर्फ एक ही बार लेना है आपको, और लेने के बाद बाहरी दुनिया में तो कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, हर चीज लेते हैं, पर रियल बात है, कोई टीवी वाला, दुकान वाला या कपड़े का दुकान वाला बहुत दिन से वहीं वहीं ले रहे हैं, तो बोलते हैं कि मेरा पुराना कस्टमर है। बोलते जरूर है पुराना कस्टमर है, क्या इतना कपड़ा लेते हैं उनके दुकान से, एक छोटा रुमाल हमको फ्री में देता है? कभी नहीं देता। मानती हूँ कि 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए कम जरूर कर देगा, पर एक रुमाल फ्री में कभी नहीं देता। पर हमारी सेल्स आप इतनी जबरदस्त ऑफर देती है, अगर कोई भी प्रोडक्ट एक हम सेल कर लेते हैं, अपने द्वारा खरीद लेते हैं, थैंक यू का लेटर तो देती ही देती है, पर क्या करती है, 200 रुपए का चेक भी देती है। पर मैं कहती हूँ कि बेरोजगारी दूर करना है, 200 रुपए में बेरोजगारी दूर होने वाला नहीं है बाबा, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो आइए देखते हैं, हम तो खरीदते हैं, हमारे माध्यम से एक व्यक्ति और खरीद लिया, किसी 10 व्यक्ति को बताया, ऐसी बिछा के उनमें से एक को हो गया, अच्छा लगा, मेरे भी चाहिए कुपन, मैं भी खरीद लेती हूँ करके वो भी खरीदी। अब दूसरा भी कहा, हाँ मेरे भी अच्छा लगा, चलो मैं भी खरीद लेती हूँ, आप लोग कमाएंगे कमाएंगे बोलते हो, मैं भी एक बार करके देख लेती हूँ। तो 2 व्यक्ति आपके जरिए आ गए, तो एक जने का 200, एक जने का 200, 400 रुपए हो गया, और एक 2 हो गए, तो जोड़ा हो गया। हमारी कंपनी जोड़े में डायरेक्ट डायरेक्ट 1000 रुपए देती है, 500 इसका, 500 इसका, तो 1000 रुपए, तो 1000 हो गया, और 200 और 200 400 रुपए, 2 व्यक्ति में आपको शानदार 1400 रुपए मिलता है। बाहरी दुनिया में बहुत बिकवाया, बहुत प्रचार किया, 1 रुपए नहीं मिला, कोई एक कप चाय भी नहीं पूछा, पर हमारी सेल्स ऑफ इंडस्ट्री इतना जबरदस्त है, हम लोग घूमते फिरते कभी भी आके किसी को बिठा के बताएंगे, अगर उसको अच्छा लगा और खरीदा, अब 1400 रुपए कमा लिए। वैसे 2 व्यक्ति तो आ गए, तीसरा व्यक्ति को भी अच्छा लग गया, हो तो सकता है ना, धोखे से हमारे नीचे में आज काम करते करते 50 व्यक्ति आ गए हैं, आपके नीचे में भी आ गया, ऐसा नहीं है, हो सकता है तीसरे को भी अच्छा लग गया, तो आप उसको मना कर दोगे क्या, क्योंकि अपन को 2 ही व्यक्ति लाना होता है, अब तीसरा आएगा बेचारा उसको भगा थोड़ी दोगे, या तो फिर इसके नीचे डालोगे या इसको नीचे डालोगे, क्योंकि उनके पास 2 ही लेग है, 1 और 2, और कोई तीसरा लेग हमारे पास नहीं है, तो कोई तीसरा आता है तो उसको या तो फिर इसके नीचे डालते हैं या तो फिर इसके नीचे डालते हैं, किसी में से एक का हेल्प भी हो जाता है ये, तो ये तीसरे में डालते हैं, तो डायरेक्ट हमारी कंपनी आपको 3500 रुपए की इनकम कराती है। और ये सिंगल सेल में हुआ तो मेहनत उतना ही करना है, सिंगल और डबल का यहाँ पे खेल है, अगर डबल में करते हैं तो डायरेक्ट 7400 रुपए की इनकम कराती है हमारी कंपनी आपको, और सिंगल आईडी में 3500 रुपए की इनकम कराती है। ऐसी 3500 रुपए आप 3 बार भरपाई करके ले सकते हैं, 14700 रुपए डायरेक्ट आप 9 व्यक्ति को ला के कमा सकते हैं, और डबल की बात करूं तो 28200 रुपए आप यहाँ से कमा सकती हैं डबल से में। अब कैसे होता है, एक अकेले अपन को तो करना नहीं होता, और कुछ भी कार्य एक अकेले नहीं कर सकते, एक अकेले करोगे सिर्फ 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी दे सकते हो, अगर 24 घंटा देने के लिए बोले आप एक दिन दोगे 2 दिन, तीसरे दिन नहीं कर सकते, तो 24 घंटा काम करवाना है तो अपना आदमी बढ़ाना पड़ेगा, ऑलरेडी आपके लिए काम हो जाएगा 24 घंटा, तो वही है, आइए देखते हैं, एक आदमी है या 50 चेयर है, एक आदमी को एक चेयर बाहर निकालने के लिए 1 मिनट लगता है, तो 50 चेयर निकालने के लिए 50 मिनट जाहिर सी बात है। अगर किसी व्यक्ति के साथ 49 व्यक्ति और ला दिया जाए, और इसके अगर के एक तो 50 व्यक्ति और 50 कुर्सी, 1 मिनट लगता है, तो 1 ही मिनट में पूरा कुर्सी निकल जाएगी, तो यहाँ पे अपन क्या बचा रहे हैं, समय बचा रहे हैं। तो ऐसी सिर्फ अपन को चेन बना के टीम बना के कार्य करना है, एक अकेले नहीं करना है, मिलजुल के करना है।
50 व्यक्ति आ गया, 50 पूछती आ गया, एक मिनट में निकल गया, 49 मिनट का समय बचा लिया। और आज के डेट में आप जानती कि समय बहुत ही बहुमूल्य है। अब कहते हैं कि लोग आदमी नहीं आएंगे, तो पूरे एक महीने में दो गलती है, सिर्फ एक महीने में दो लोग को लाना है फिर आपका काम खत्म। फिर इस दो को अपने लिए कहोगे कि पूरा एक महीने का समय लो और अपने लिए दो दो करो, तो दूसरे महीने में आपके लिए 4 हो जाएगा, तीसरे में 8 हो जाएगा, चौथे में 16 हो जाएगा, पांचवें में 32, छठवें में 64, सातवें में 128, आठवें में 256। तो आप तो सिर्फ दो लाए थे भैया, आठवें महीने में आपके लिए 256 व्यक्ति हो गया, आप दो लाए आपके लिए आठवें महीने में 256 हो गया। मैं पूछूंगी आपसे कि ये 256 नंबर के व्यक्ति को आप जानोगे? नहीं जानोगे। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ दो को लाए थे, ये तो आपके टीम के माध्यम से आया है। हर व्यक्ति अपने लिए सिर्फ महीने में, एक महीने का पूरा समय लेके दो व्यक्ति को भी लाता है या दो प्रोडक्ट सेल कराता है, तो आठवें महीने में आपके लिए पूरा हो जाएगा 256 व्यक्ति, नौवें महीने में 512, दसवें में 1024 और ग्यारहवें में 2048 और बारहवें महीने में 8096। 8096 जोड़े हो जाएंगे और सिंगल में कहूँ तो 8190। बारह महीने में पूरा टोटल आपका टीम होता है 8190। चूंकि हमारी कंपनी क्या कराती है, जोड़े में पैसा देती है, तो इसको क्या करेंगे, दो से भाग करेंगे, क्योंकि जोड़े में देती है, जोड़े में भाग करेंगे तो क्या होगा, 4095 जोड़े बनेंगे अपन के पास। अब 4095 जोड़े, तो एक जोड़े का 1000 रुपए मिलता है, एक जोड़े का 1000 रुपए मिलता है, तो 4095 को 1000 से गुणा करते हैं, तो 4095 जोड़े बने हैं उसको 1000 से गुणा करेंगे तो 4095000 रुपए एक साल में आप कमा सकते हैं। नहीं है तो ये पैसे भी गलत नहीं है। तभी बोलते हैं साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, और मिलकर काम करना ही सफलता है। अगर मिलकर काम किया टीम वर्क के साथ 100%, तो एक साल में 40 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। कोई भी दुनिया ताकत आपको ये पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। पर रियल बात है, आज के डेट में कोई भी 100% काम नहीं करता। चाहे आप काम वाले बाई भी लगाओगे तो एकदम ईमानदारी से काम नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आलस कहीं करेगी ही। अगर ये मैं कहती हूँ कि 50% भी चला, 50% भी चलता है, तो भी आप 20 लाख रुपए एक साल में आराम से कमा सकते हैं। बाहरी दुनिया में आप कभी भी नहीं कमा सकते, मैं लिख के दे सकती हूँ। रियल बात है, चीज़ में मैं हो गया, दिन में अगर 1 घंटे भी समय देते हैं, 10% भी चलता है, तो भी एक साल में 4 लाख कमा सकते हैं और महीने का 34 से 35 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर चलो छोड़ो, तू खाली पीली बैठी है, कुछ नहीं कमा रही है, आज के डेट में एक अकेले मिस्टर कमा रहे, तो घर चलना वाकई में बहुत मुश्किल है। सर सही बात है, सर लोग ये चीज़ मेरे समझाए, मैं समझी, तो आज कंटिन्यू अपनी छोटी सी बेटी को लेके जहाँ भी जाती हूँ ले जाती हूँ और कर रही हूँ, और शानदार हफ्ते का 5000-6000 रुपये मेरा इनकम कर रहा है हर हफ्ते का। ये तो रहा मेरा परिचय, है हमारे सीनियर मिस्टर ज्ञानसी राजपूत सर जी, जो कि ऑलरेडी एक पेशे से डॉक्टर है और सेम समय जॉब भी करे थे, रिटायर होकर अपना खुद का क्लिनिक डाले। अब क्लिनिक चलाते चलाते इनको समझ ये आ गया कि क्लिनिक से पैसा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है, पर टाइम नहीं है वहाँ पे, दिन भर बैठे बैठे समय दे रहा हूँ तब जाके कहीं मेरे घर में पैसे आ रहे हैं। तो फिर कुछ दिन चलते चलते सर ने ऐसी स्वच्छता के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में कुछ निःशुल्क सेवाएं दी, जिसके जरिए सर को 2012 में राज्यपाल अवार्ड मिला और 2016 में मुख्यमंत्री अवार्ड भी मिला है। सर को एक नहीं बल्कि 3-3 कलेक्टर के साथ सर रह के फ्री में कार्य कर चुके हैं। अब इन्हीं के चलते चलते बीच में एक बार सेफ साहब के बारे में जानकारी ली सर को, पर समझ नहीं आया उनको, नहीं कर रहे हैं, मैं तो शानदार अपन डॉक्टर हूँ भैया, घर में बैठा हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से करूँ, ऐसा लगा। पर धीरे धीरे बार बार लोग आते गए, समझाते गए, फिर सर को भी समझ में आया कि सेफ साहब जबरदस्त है, जहाँ पैसा और समय दोनों बचाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। इस कारण से हमारे मिस्टर ज्ञानसी राजपूत सीनियर सर जी आज सेफ साहब कर रहे हैं, और यह परमेश्वर साहू जो की कवर्धा से ही है, इनको भी लगभग 4 से 5 महीना हो गए बिजनेस में, एक ही हफ्ते का 4 से 5 हजार रुपए इनकम कर रहे हैं और पार्ट टाइम करते करते आज के डेट में फुल टाइम कर रहे हैं जॉब। आइए देखते हैं एक जानकारी, कौन सी जानकारी, कैसी जानकारी, और ये चाहती है वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करे। नो, तो जोर से कहिए आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रॉफिट कैसा चाहते हैं, कम या ज्यादा? ज्यादा ज्यादा, ह्यूज प्रॉफिट चाहते हैं, इज़न्ट इट? यस यस यस, बिल्कुल सही। और रिस्क नाम की कोई चीज ही ना हो, बिजनेस ऐसा हो जिसमें प्रॉफिट की गुंजाइश ज्यादा हो और लॉस की गुंजाइश बिल्कुल ही ना के बराबर हो। और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हो बिजनेस की? अनलिमिटेड, यानी कि बिजनेस आपका ए पैटर्न में बढ़े। ए पैटर्न, ए जानते हैं ना, जो नीचे से चौड़ा होता है, इसका मतलब आप बिजनेस जिस पॉइंट से शुरू करते हैं वो ब्रॉड होता चला जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एनालाइज करना है,
आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, उसके बाद आपको चॉइस करनी है और उसके बाद बिजनेस को प्रमोशन करना है। प्रमोशन, प्रमोशन से आप क्या समझते हैं? आप प्रमोशन हर दिन हर समय किसी न किसी रूप में हर किसी से अपने दिनचर्या में करते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है आप किस बात का प्रमोशन करते हैं? स्कूल का। अपने फ्रेंड से कहेंगे प्लीज आप उस स्कूल में जाइए, मेरा बच्चा भी पढ़ता है, बहुत ही बढ़िया स्कूल है। आपने अनजाने में स्कूल का प्रमोशन किया। लेडीज सबसे ज्यादा करती है और मुझे यहाँ पे लेडीज की आवाज बहुत लो लग रही है, लेडीज जोश दिखाइए आप यहाँ पे। उसके बाद प्रमोशन होता है सबसे पहले लेडीज का, ड्रेसेस का, ज्वेलरीज का। सबसे अच्छा होता है आप शॉपिंग का, ज्वेलरीज का। क्या कहते हैं, पीसी ज्वेलर्स में जाइए, वहाँ पे ठंडा भी पिलाएंगे आपको, ज्वेलरीज भी अच्छे से दिखाएंगे। इस तरह से हम प्रमोशन करते हैं, लेकिन उस प्रमोशन से क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है? नो, नेवर, कभी नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अपनी बात कही, हमें जो अच्छा लगा हमने बताया, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? दुकानदार। उसका फायदा दुकानदार।